नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में आज आपके लिए मार्केट के लास्ट सेशन में बहुत ही शानदार तेजी देखने के लिए मिली। बहुत सारे लोगों ने आज जब ये थोड़ी बहुत गिरावट हो रही थी अपना माल बेच दिया होगा, लेकिन उसके बाद पछता जरूर रहे होंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अगर हम बात करें पिछले लास्ट 5 डेज की, तो स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है और 16% से ऊपर के रिटर्न भी आपको निकाल करके दिए हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। वोडाफोन आइडिया ने भी अपने टैरिफ प्लान्स के रेट बढ़ा दिए हैं, चाहे प्रीपेड की बात हो या फिर पोस्टपेड की, और इसी वजह से स्टॉक एक अच्छे मूवमेंट की तरफ आपके लिए बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो लास्ट में मैंने आपके लिए इसका टारगेट है 12 रुपए के लेवल का टारगेट दिया था, जो कि अब हमें पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ भी नजर आ रहा है। लास्ट अगर बात करें स्टॉक की, तो थोड़े बहुत करेक्शन जरूर हुए हैं, बीच कुछ आपने देखा ही है कि ऐसा नहीं है डायरेक्ट ऊपर की तरफ ही स्टॉक गया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने प्राइस बढ़ाए हैं, एयरटेल ने बढ़ाया, उसके बाद इन्होंने भी बढ़ाया, क्योंकि इसके पीछे रीजन ही इतना बड़ा है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, लॉसेस को कवर करना है और इतना बड़ा कर्ज है उसको भी चुकाना है। और इनके मैनेजमेंट के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इनके मैनेजमेंट का कहना यही है हम यहीं से पैसा कमाएंगे और यहीं से सारा कर्ज अपना चुकाएंगे। और अगर इस चीज़ को हम लेकर के चलते हैं तो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो 4 साल का जो वक्त मिला है इन्हें, उसका ये भरपूर और अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो आपको भी दोस्तों इसके साथ 4 सालों में कम से कम 2 साल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करके आप यहां से मोटा मुनाफा बना सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी अपनी मर्जी है, स्टॉक की अगर हम लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इन्हीं लेवल्स पर स्टॉक आपके लिए ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक अभी आपके लिए एक अच्छे लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपको कल के दिन में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, तो ऐसी चीज़ें इसमें चलती रहेंगी, लेकिन आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप यहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों।